स्वाद की पट्टी के बाद हम अब तो जो है वो हुरूफ अबजद के साथ लगाएंगे, उसका तरीका आपके सामने आ जाएगा क्योंकि आप साहब ने देखेंगे भी और उसके बाद उसकी मशक भी करेंगे। और आइए शुरू करते हैं कि तो कैसे लगानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ये तो बिल्कुल स्वाद की तरह ही है, सिर्फ इसके लगाने का तरीका ये होगा। ये देखिए तो ये बीज में बीज की शक्ल बन गई है। तो अब ये देखिए वो ये जैसे बे के साथ मैंने स्वाद लगाया था, इसी तरह ये जोड़ जो है उसी तरह ही लगाए, और बे भी उसी तरह ही है जिस तरह स्वाद के साथ लगाई है। तो ये उसी तरह से चीरे, ये तो आगे ऊपर वाली शक्ल अलिफ जो जोड़ा मैंने, ये आगे ताज देखें, ये लाइन से टाचो के आए और यहाँ से आप वो एक मद की शक्ल जैसे मद मुनफसिल होती है ऐसे, और ये जीम की शक्ल ताज तद तद बिल्कुल उसे तो की तरह तो अलिफ तो जो बनाया था उसी तरह बनाना है। इसके साथ ये रे बना देनी है लेकिन पड़ा दाल आएगा। तर यहाँ से कलम को ऐसे गोलाई में घुमाएं कि वो कहीं से अटके ना, यानी बिल्कुल मुलायम सी नीचे को आए। तस ये सीन पहले दो किनरे तेज, और यहां से अब दायरा आपको ये दुआ को ऊपर वाला जो अलिफ है ये तीन का के बराबर होना चाहिए। तश तस देखे ये गौर से आप देखते रहें कि कैसे ये लिखा जा रहा है, आपने इसी तरह मशक करनी है। ये दो तो इकट्ठी हो गई हैं।
एक तो थोड़ी सी ऊपर है, दूसरी तो थोड़ी सी नीचे है, बराबर नहीं रखना। तो ये एन इसके साथ, जी इसके साथ ऐसे जुड़ गया। तोफ ये फा का दरमियान का एरिया जो है ना वो ज़्यादा ना रखना, यानी पौना कद के बराबर रखना। और ये ऊपर से मोटाई इसकी आधा कद है और खला तौक।